हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। क्या आपने अपनी विंडोज 10 को अक्टूबर 2020 20H2 में अपग्रेड कर लिया है या फिर 20H2 विंडोज का इंस्टॉलेशन अपने सिस्टम में करवा लिया है? अगर आपने ये काम कर लिया है तो आप एक चीज को बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं, वह है आपका अपना पुराना सिस्टम प्रॉपर्टीज। जी हाँ, अगर अब आप अपने दिस पीसी के आइकन के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आएंगे तो आपको आपका जाना पहचाना सिस्टम प्रॉपर्टीज नजर नहीं आने वाला है। इसकी जगह नजर आएगा आपको ब्रांड न्यू विंडोज 10 का सिस्टम प्रॉपर्टीज। लेकिन हमें आदत है हमारे पुराने वाले सिस्टम प्रॉपर्टीज को देखने की। और हाँ, साथ में अगर आप कंट्रोल पैनल को भी बहुत मिस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल का आइकन भी नजर नहीं आने वाला है। ये दो चीजें बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो ऐसे में 20H2 अपडेट के अंदर इन दोनों ही चीजों को, शॉर्टकट को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। विंडोज 10 से इसे हटाया नहीं गया है, सिर्फ इसके शॉर्टकट को रिमूव कर दिया गया है, मूव कर दिया गया है। तो हम वापस इन्हें कैसे पा सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं रवि राउत और स्वागत करता हूं आपका टेक्नोबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेक्नोबाजी। देखिए दोस्तों, पुराना वाला सिस्टम प्रॉपर्टीज को वापस लाने के लिए आपको एक शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन में जाना होगा। और न्यू ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट का ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक टेक्स्ट फाइल दी है, ठीक है। आपको उस टेक्स्ट को कर लेना होगा कॉपी, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ जो शॉर्टकट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर करना होगा पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं जिससे आपको याद रहे कि आपने किस चीज का शॉर्टकट बनाया है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ सिस्टम प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इसके बाद फिनिश बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आइकन है ये चेंज हो गया है और यहाँ पर सिस्टम प्रॉपर्टीज लिखा हुआ आ गया है। अब आप इसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके सामने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी, वही कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज जिसे आप देखना चाहते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। और देखिए दोस्तों, दूसरा तरीका एक और है जो कि आसान है। आपको क्या करना होगा, दिस पीसी को ओपन करना होगा और ओपन करने के बाद ये जो बाकी की खाली जगह है, यहाँ पर तो आपके आइकन नजर आ रहे हैं और इसके बाद नीचे जो स्पेस खाली नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो भी आप इसी तरह का जो सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन करते थे पहले, वो भी आप दोबारा ओपन कर सकते हैं। विंडोज 10 के लेटेस्ट एडिशन के अंदर एक और प्रॉब्लम है, वो है कंट्रोल पैनल की। जी हाँ, विंडोज 10 के लेटेस्ट एडिशन के अंदर आपको ये जो डेस्कटॉप पर कंट्रोल पैनल नजर आ रहा है ये नजर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करके चेक करते हैं तो ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, यहाँ से विंडोज 10 की सेटिंग्स ओपन होती है लेकिन कंट्रोल पैनल ओपन नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर इस कंट्रोल पैनल के आइकन को चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। तो यह जो नीचे टास्क बार है, ये जो ब्लैक कलर की टास्क बार आती है, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको टास्क बार सेटिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जो थीम्स का ऑप्शन नजर आएगा इस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। थीम्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड के ऊपर डेस्कटॉप आइकन का एक टैब नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आप कौन कौन से डेस्कटॉप आइकन्स चाहते हैं उन पर आपको चेकबॉक्स कर देना होगा, ठीक है। जो चेकबॉक्स है इनके ऊपर आपको टिक कर देना होगा। तो यहाँ पर जो जो भी आप आइकन चाहते हैं डेस्कटॉप के ऊपर उस पर चेक करना होगा और इसके बाद ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना होगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि डेस्कटॉप के ऊपर आपने जो भी चेकबॉक्स क्लिक किए थे उन सभी के आइकन्स आपके डेस्कटॉप के ऊपर आ चुके हैं। और इसके बाद आप आसानी से अपना पुराना वाला जाना पहचाना कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर प्रीमियम सर्विस पाने के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ, ऐसा टेक्निकल टॉपिक जो वक्त पड़ने पर आपके काम आ सके और समय और पैसे दोनों की आप बचत कर सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, जय हिंद।